ट्रेड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हरियाणा शिक्षा विभाग समय समय पर अपने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करता रहता है, जिसका काफी कुछ लाभ शिक्षकों को मिलता है, मगर आज कल एक विशेष प्रशिक्षण कर्मयोगी हरियाणा शिक्षकों को प्रदान किया जा रहा है, जिसको शिक्षक भी एक बेहतरीन प्रशिक्षण मानकर उसे बड़े उत्साह से प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षक कर्मयोगी बनकर अपने कर्म स्थल में यानी अपने कार्यस्थल में कार्य करते हुए मानसिक संतुष्टि प्राप्त करें, अपने समाज व राष्ट्र के हित में भी वह समर्पण भाव से कार्य करें, ऐसे कुछ बिंदु इस प्रशिक्षण के हैं। तो आइए चलते हैं प्रशिक्षण स्थल पर, जहां पर देखते हैं कि शिक्षक यह प्रशिक्षण कितने उत्साह से प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षकों से भी बात करेंगे, साथ ही जिन्होंने प्रशिक्षण दिया उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। 3 नंबर पूरा हो गया नहीं, नागरिक हमारी कठिनाइयों को नहीं समझते, वरिष्ठ हमारा समर्थन नहीं करते, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई हमारी सराहना नहीं करता। नीलम मैडम 4, जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति कुछ गलत करने का दबाव डालता है, मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे फायदा होगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी पड़ जाऊंगा। आइए रमेश की परिपूर्णता के वृक्ष का निर्माण करें, दोबारा से फिर वहीं जाएं। अभी फिर हमारे पास ये फुल सेल मैट्री आएगा। बहुत ही खुशनुमा माहौल में यह प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नियमित व्यायाम करती है, दिन भर मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहती है, जैसे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों पर चलना पसंद करती है, मानसिक रूप से सतर्क रहती है और उत्साह से अपना काम करती है। अगर रंजीता इसी मार्ग पर चलती रही तो 20-25 साल बाद उसके स्वास्थ्य और खुशहाली पर इसका क्या असर होगा? हाँ जी सर, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जिसका स्वास्थ्य खराब है तो खुशहाल रहेगा। बिल्कुल सर, और क्या लॉसेस हो सकते हैं मैडम उसे 20-25 साल बाद? 20-25 साल बाद सर उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो तो क्रिएट होंगी होंगी, उसकी रेगुलरिटी मतलब वो पहले ही इरेगुलर है जॉब के लिए, तो वो और ज्यादा इरेगुलर हो जाएगी और अल्टीमेटली देयर इज नो फन इन द लाइफ। सुरेश जी कुछ बताएं इस बारे में। हां जी सर जी, एक उसके बाद मोटापा से डर जाना जी, मोटापा। अब जो है 5 या 6 जैसे आपकी टीम बनी हुई है ना, 5 या 6 सदस्यों की टीम बनी हुई है, हर टीम को सर्वोत्तम श्रेय समाधान के बारे में सोचना है कि कोई भी सर्वोत्तम समाधान जो है नीता करके जो पिछला था कि उसको लेकर आपने सर्वोत्तम समाधान सोचना है कोई भी, जिससे जो है श्रेय समाधान विकसित हो। ये बात अपनी अपनी टीम में सोचे समाधान किसका सोचना है। जो पिछला केस आया था अभी आपके पास कौन सा? महिला का अनीता का जो केस आया था, तो 5-6 सदस्यों की टीम जो है हर टीम को सर्वोत्तम श्रेय समाधान के बारे में सोच। ये ट्रेनिंग आज शिक्षकों को प्रशिक्षकों अपने अध्यापकों प्राध्यापकों को दी गई, क्या कुछ इसका बेनिफिट रहता है? जी सर, आज का जो कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल द्वारा हमें चला जी 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 जी, ये एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था जी, सभी जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जी उनके लिए प्रोग्राम रखा गया था। इस कार्यक्रम में अगर किसी भी कार्य कर्मचारी के अंदर किसी भी कार्य को लेकर के किसी प्रकार की शंका समाधान रह जाती है, वो आम जनता से जुड़ नहीं पाता है, नागरिकों की सेवा में किसी प्रकार की कमी रह जाती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें यह बताया गया, समझाया गया किस प्रकार सर्वाधिक जो भला है हम जनता का कर सकते हैं, सर्वाधिक लाभ हमने किस प्रकार से जनता को पहुंचाना है, और सरकार की जो नीतियां हमें बताई जाती हैं आम जनता के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें किस प्रकार से और अधिक क्रियान्वित किया जाए जिससे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी लाभ मिले। यकीनन इस ट्रेनिंग का अध्यापक प्राध्यापक को बहुत लाभ मिलेगा, अपने कर्म क्षेत्र में वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं समझता हूँ जिन साथियों ने आज ये ट्रेनिंग ली है वो अपने कार्य क्षेत्र में जाकर के और अधिक रिफ्रेश होकर के तरोताजा होकर के अपने काम में लगन से
निष्ठा से, ईमानदारी से, और जो आज का मोटिव रहा है जागृत कर्तव्य के साथ जुड़ करके अपने विभाग को, अपनी सरकार को और अपने अंतरात्मा को एक अत्यधिक लाभ पहुंचाने का काम वो करेंगे। संसारिक फल की तो बात करते ही हैं सर जी, इसमें आध्यात्मिक बल की भी बात की गई, उस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, हम कोई भी कार्य करते हैं दो प्रकार के फलों की चौथिया, एक तो सांसारिक जैसे रुपया पैसा मान सम्मान इत्यादि, परंतु एक आंतरिक फल भी यहाँ पर इस कार्यक्रम का एक हिस्सा था। आंतरिक फल, ठीक है। आंतरिक फलों में हम जो काम करते हैं सेवा भाव से करते हैं उसके बदले में क्या मिलता है, वो एक आंतरिक फल में आता है। जैसे पुण्य और आशीर्वाद मिलता है, लोगों की सहानुभूति मिलती है, हमें पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, इस प्रकार से वो सभी आंतरिक फलों की श्रेणी में आते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, परंतु जब हम अच्छा काम करते हैं वो हमें आवश्यक रूप से मिलते हैं। यकीनन शिक्षा का क्षेत्र में मतलब अच्छा रहेगा, बच्चों का भी सर्वांगीण विकास इस कार्य से संभव होगा। मैं मानता हूँ हरियाणा कर्मियों की जो कार्यक्रम चलाया गया है इससे अगर हम एक शिक्षक के रूप में देखें तो शिक्षक जो स्कूल में जाकर के बच्चों का सर्वांगीण विकास करेगा, उनके भौतिक आध्यात्मिक शारीरिक विकास को लेकर के एक उन्हें अलग क्षेत्र में जाने के लिए वो तैयार करेगा ताकि वो जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सके, नई बुलंदियों को प्राप्त कर सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जी सर, सभी साथियों का, मिशन कर्मयोगी टीम हरियाणा का, जिन्होंने आज का जो हमारा जो लाइव प्रोग्राम रहा है डिजिटल बोर्ड के थ्रू, उसके द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे तीन चार बिंदु थे उन पर विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की है, और सभी साथियों का जो इंटरेक्शन रहा है वो बड़ा ही एक्टिव मोड में रहा है। तो हमने अपना जो कार्य करना था सबसे पहले कि हम अपने कर्तव्य को कैसे करें, जागृत कर्तव्य के साथ करें, दूसरा हमारा कि हम किस भाव से करें, निःश्रेष्ठ भाव से हम अपनी ड्यूटी को निभाएं, और इस प्रकार से कार्य करने के द्वारा हमारे जो आंतरिक मूल्य हैं, जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, वो अवश्य ही जागृत हो जाएंगी। तो मैं हरियाणा सरकार का इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने के लिए बहुत ही आभारी हूँ कि वो हमारे शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने इस प्रकार का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इससे अवश्य ही शिक्षा विभाग के अंदर जो थोड़ी बहुत हमारी कमी नजर आ रही थी, तो अवश्य ही एक नई दिशा और नई दशा विभाग की बदलेगी, और इसके जो परिणाम है वो अवश्य ही फ्रूटफुल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये मैं दो शब्द आपको कहूंगा कि जिस प्रकार की आज की ट्रेनिंग हमारी गुजरी है बड़ी अच्छी थी। अगर एक गन्ने को रस निकालने वाली मोटर में इस पूरी ट्रेनिंग को डाल दिया जाए तो जो दूसरी तरफ से रस निकलता है उसकी जगह एक संस्कृत का श्लोक निकलेगा, अब शायद आप भी मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मीन्स किसी भी कर्म योगी को, किसी भी कर्मचारी को ऐसा कार्य करना है, इस प्रकार कार्य करना है जो समाज हित में निहित हो, जिसमें समाज की भलाई निहित हो और अपना भला ना हो बल्कि सबका भला हो, ऐसी कामना के साथ मेरे को लगता है कि ये ट्रेनिंग की गई है। और इसका यही निचोड़ है कि सबका भला और सबका साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना की, ऐसे कार्य हमने करना है कि जिससे सबका सुख निहित हो जिसमें। थैंक यू। सबने ट्रेनिंग ली है यहाँ पर, उसमें बेसिकली यही सिखाया गया कि जो भी हमारी क्वालिटीज हैं जो डोरमेंट हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं जो है हम लोग एक तरह से अपनी जो इनर क्वालिटीज हैं उन्हें कहीं भूल गए हैं, या फिर जो अपनी ड्यूटीज हैं टूवर्ड्स आर नेशन, टूवर्ड्स आर स्टेट, वो हमें इन्होंने जागृत की हैं, और हमें एक तरह जो वर्ड्स यहाँ पर आए थे जागृत कर्तव्य की तरफ, इन्होंने हमें आगे एक मार्ग दिखाया है ताकि हम इसकी तरफ आगे बढ़ते रहें। और इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कैरी ऑन किया गया, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सभी चीजों को सिखाया गया विद एक्टिविटीज, इट वॉज अ वी कैन से अ कंप्लीट पैक ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज एंड वेरी इंफॉर्मेटिव पैकेज दिस ट्रेनिंग वॉज, सो आई थिंक इट वॉज रियली अ गुड वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रकार का यह कर्मयोगी हरियाणा प्रशिक्षण शिक्षकों की प्रतिभा का और अधिक विकास करने में संभव रहेगा, जिसका शिक्षक अपने कार्यस्थल पर बेहतरीन ढंग से सदुपयोग कर सकेंगे और एक बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण भी संभव होगा। ये थी स्टेट न्यूज 17 की प्रस्तुति।